एग्जाम्पल है किरचॉफ लॉ का। एग्जाम्पल में सपोज करो आपको ये एक डायग्राम गिवन है जिसके अंदर दो बैटरीज हैं, जिसके अंदर दो बैटरीज हैं राइट, और ये दो कैपेसिटर्स हैं। देखो पहली बात ये कि दो बैटरीज हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने कभी किया ही नहीं दो बैटरीज वाला, ठीक है। हमने एक बैटरी गिवन हो, सीरीज पैरेलल गिवन हो, बात समझ में आती है। इसके अंदर दो बैटरीज और दो कैपेसिटर है और आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब अगर किरचॉफ लॉ नहीं आता एक मिनट के लिए, तो उस केस में आप दो बैटरीज को कैसे एडजस्ट करोगे पता नहीं, आप कर नहीं पाओगे इसमें। तो इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें दो बैटरीज है उसमें तो 101% किरचॉफ लॉ लगेगा ही लगेगा। दो बैटरीज की एडजस्टमेंट लूप के अंदर ही हो सकती है। देखो कैसे, सबसे पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, वो क्या करेगी, इसको पॉजिटिव चार्ज देने की कोशिश करेगी। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव देती है बैटरी कैपेसिटर को, ये पॉजिटिव भी क्या करेगी इस प्लेट को पॉजिटिव। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बैटरी चाहती है कि ये पॉजिटिव हो जाए, ये बैटरी चाहती है कि ये पॉजिटिव हो जाए, कौन जीतेगा, जिसकी ईएमएफ बड़ी है, किसकी बड़ी है E2 की, तो किसकी सुनी जाएगी E2 की, E1 को देखना बंद कर दो, बड़ी बैटरी की सुनी जाएगी। तो बड़ी बैटरी E2, तो ये इस प्लेट को क्या कर जाएगी पॉजिटिव, तो इसको क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। नीचे वाले भी बड़ी बैटरी के हिसाब से चलेगा, तो ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, चार्ज इसमें सेम है। क्यों, क्योंकि एक ही सर्किट का पार्ट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं सकता, जंक्शन तो कोई मिलेगा नहीं, एक लूप के अंदर दो कैपेसिटर्स हैं, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो सीरीज क्यों, आपको पैरेलल, पैरेलल कैसे, चार्ज आया, ये जो भी चार्जिंग आई वो इन्हीं के बीच में गई ना, तो ये तो है नहीं कि कोई थर्ड वायर आ गई जो चार्ज को ले गई, ये तो है नहीं, तो चार्ज इन्हीं में रहेगा, तो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसलिए क्यू 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 ही लिया हमने। अब आपको पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, चार्ज निकालो कैपेसिटर पे क्या होगा। अब कभी भी चार्ज निकालना है और दो बैटरीज हैं एक लूप है, तो आप एक लूप लॉ लगा दो इसमें, किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दो। देखो कैसे, यहां से स्टार्ट होके वापस आते हैं, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, माइनस से प्लस पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सी वन। फिर मैं नीचे आ रहा हूं प्लस से माइनस पोटेंशियल माइनस ई टू। फिर मैं माइनस से प्लस पे आ रहा हूं प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सी टू। फिर मैं माइनस से प्लस पे आ रहा हूं तो प्लस ई वन इक्वल टू जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है यहां तक। तो यहां से ई वाली टर्म्स एक तरफ, क्यू कॉमन आ गया, एलसीएम ले लिया और ये टर्म इसके नीचे चली गई, तो क्यू की वैल्यू आ गई। अब ये तो मैंने C1 C2 में किया है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, E1 10 वोल्ट है, E2 20 वोल्ट है, तो आपसे चार्ज की वैल्यू पूछ सकता है वो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई, पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय C1, इसका क्या होगा चार्ज डिवाइडेड बाय C2। तो क्यू बाय C1 में क्यू पूरे का पूरा यहां फिट कर दो पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू बाय C2 में क्यू पूरे का पूरा इसमें फिट कर दो आंसर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 100 वोल्ट की बैटरी गिवन है, ये 6 माइक्रोफेरेड गिवन है, ये 6, ये 6 और ये 6। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसने क्वेश्चन में ये पूछा, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ VC कितने है? इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ VD कितना है। अब पॉइंट के पोटेंशियल हमें मतलब इतना आसानी से निकलते नहीं है। हाँ, अगर वो ये पूछता फाइंड VC माइनस VD तो कुछ बात समझ में आती, फिर मेरे को शायद किरचॉफ लॉ चाहिए ही नहीं। अगर मुझसे क्या पूछता, फाइंड VC माइनस VD, क्यों, क्योंकि अगर ये VC है तो ये प्लेट भी किस पे है, VC पे, और अगर ये VD पे है तो ये प्लेट भी VD पे है, VC एंड VD। तो अगर VC माइनस VD पूछा जाए तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है वो आपसे, तो बोलो आंसर क्या होगा,
आंसर क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का? जो ऑनलाइन तो बताएगा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस कैपेसिटर का? नहीं, 100 वोल्ट तो टोटल है बैटरी का, 800/3 तो आ नहीं सकता। 130 100 वोल्ट तो टोटल है बैटरी का, 130 कैसे आ गया? 100 से तो कम ही होगा। ठीक है, मैं हिंट देता हूँ, 100 बाय, कौन बोला? सही है, 100/3। देखो ये तीन कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। 6 6 6 क्या हुआ? 2। तो आप एक काम करो, ये रहा आपके पास 100 वोल्ट, ये आपके पास 6 माइक्रोफेरेड और ये आपके पास 2 माइक्रोफेरेड। ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल। पैरेलल में वी क्या रहता है? सेम। तो इसके ऊपर कितने वोल्ट है? 100 वोल्ट। इसके ऊपर कितने वोल्ट है? 100 वोल्ट। तो ये 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट इसके ऊपर, और ये किसका बना हुआ है? इन तीनों का, कनेक्टेड इन सीरीज। तो वी डिवाइड होगा, पर क्योंकि तीनों की कैपेसिटी सेम है तो वी बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, 100/3 100/3 100/3 वोल्ट आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मेरे से पोटेंशियल डिफरेंस इसका पूछा जाता ना, तो आंसर मैं सीरीज पैरेलल से निकाल लेता, मेरे को किरचॉफ लॉ की जरूरत नहीं है। पहले मैं यही ट्राई करूंगा कि किरचॉफ लॉ ना लगाना पड़े, पर मेरे से ये पूछा ही नहीं। मेरे से क्या पूछ लिया? वीसी और वीडी का पोटेंशियल निकालो, पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस ना निकालो, मेरे से ये पूछ लिया, राइट? तो अब टेक्निक देखो, अब हम क्या करेंगे? सपोज करो अगर ये बैटरी है, ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है? अगर ये बैटरी है तो प्लस, 100 वोल्ट की बैटरी है तो प्लस को लेंगे 100 वोल्ट और नेगेटिव को ज्यादातर क्या लेते हैं? 0 वोल्ट, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट हो। अगर ये 100 है तो ये जंक्शन भी 100 है, अगर ये 0 है तो ये भी 0 है, अगर ये 0 माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये प्लेट, ये पॉइंट भी माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये माइनस है तो ये प्लेट माइनस है, और अगर ये प्लस है तो ये प्लेट प्लस है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? यहां पर मान लो चार्ज Q1 है, अब ये 100 है, अब क्योंकि ये प्लस है, क्यों प्लस है? क्योंकि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये वाला, इस पॉजिटिव टर्मिनल ने इसको टच किया तो ये प्लस, इसने इसको भी तो टच किया तो ये प्लस। तो अगर ये प्लस है और इसका चार्ज और इसका चार्ज डिफरेंट होगा क्योंकि सीरीज में नहीं है, अगर सीरीज में होते चार्ज सेम होता तो लेट अस सपोज इसका चार्ज कितना है? प्लस Q2। अब अगर ये प्लस Q2 है तो सामने वाला क्या हो जाएगा? माइनस Q2। अब इसके ऊपर माइनस क्यों आया? क्योंकि इसने इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, तो यहां पर क्या आ गया? प्लस। तो यहां पर क्या आ गया? प्लस, पर चार्ज सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में है तो वही इलेक्ट्रॉन ये खींचे जा रहे हैं, तो माइनस Q2 तो ये प्लस Q2। अगर ये प्लस तो ये माइनस। अब ये माइनस ने इलेक्ट्रॉन कहां से खींचे? यहां से, तो प्लस Q2 माइनस Q2 सीरीज में, तो सीरीज में चार्ज की वैल्यू रिमेन्स सेम। ठीक हो गया यहां तक? ठीक। अब रूल नंबर 1, आपको अगर यहां पे Q1 पूछा जाए क्या है, तो Q1 Q क्या होता है? C into V। तो इसकी कैपेसिटी क्या है? 6 × 10⁻⁶ into इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 100 माइनस 0, पहली इक्वेशन।
ठीक है, दूसरी क्वेश्चन, Q2 की वैल्यू, यहां से Q2 की वैल्यू इज 6 × 10⁻⁶ × 100 - Vc। ठीक, तीसरी क्वेश्चन, Q2 इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁶ इंटू क्या, Vc - Vd। और लास्ट, Q2 इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁶ Vd - 0। अब एक और पॉइंट याद रखना, अगर ये 100 वोल्ट है ना, इससे ऊपर वोल्ट नहीं हो सकते बैटरी से ऊपर, बैटरी 100 की है तो पॉइंट 100, तो बाकी पॉइंट्स इससे कम पोटेंशियल पे होंगे। तो जैसे 100, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, और ये बिल्कुल कम हो जाएगा, 0। ठीक, तो इसलिए आप Vc - Vd करेंगे, Vd - Vc नहीं करेंगे, Vc बड़े वोल्ट पे होगा, Vd छोटे वोल्ट पे होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आ गई, इन इक्वेशंस में से Vc - Vd तो मैंने आपको निकाल के भी दिखाया अभी आज, तो यहां से चार्ज आ जाएगा, चार्ज यहां पुट के आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। या फिर ऐसे कर लो, इन्हीं को सॉल्व कर लेना, Q2 को इक्वेट करके, Q2 इक्वेट करके कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। नहीं आएगा तो मैंने पहले तरीके से Vc - Vd निकाल दिया, 100/3 पुट करके क्या आएगा, Q2 आ गया तो Vc, Q2 आ गया तो Vd आ जाएगा। डन, मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। तो देखो, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें किरचॉफ लॉ लगा नहीं वैसे, इसमें कौन सा किरचॉफ लॉ लगा, किरचॉफ लॉ तो तब था जब जंक्शन के ऊपर कुछ लगता, इसमें लगा ही नहीं, ये तो सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी है। पॉइंट समझ में आ रहा है, पर हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे है वो समझ में आ रहा है, आंसर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, किरचॉफ लॉ कैपेसिटर के अंदर NCERT में आता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में आता है, तो NCERT लेवल पे नहीं आएगा ये जो मैं करवा रहा हूँ अभी, हाँ वैसे आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है?